गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम 8th चैप्टर में कोशिश प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सेकंड ऑर्डर की, तो कुछ इस टाइप से थी वो, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू ज़ीरो। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक कर्व आएगी, उसके लिए कुछ कंडीशन है हमारे पास कि जेड और जो करली जेड बाई कर्ली एन है वो आपके पास दे रखे होंगे किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो कंडीशंस हम यूज़ करने के बाद एक पार्टिकुलर कर्व आ जाएगी, तो हमें वो निकालनी है। इसका सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर टू, शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द कोशिश प्रॉब्लम फॉर द इक्वेशन करली टू जेड बाई करली एक्स स्क्र माइनस वन बाई सी स्क्र करली टू जेड बाई करली वाई स्क्र इक्वल टू जीरो, वेयर सी इज पॉजिटिव, सेटिस्फाइंग द कंडीशंस जेड एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स एंड करली जेड बाई करली टी एट टी इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो, दीज आर इन कोशिश कंडीशंस। और तो उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, जेड एक्स टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज करली टू जेड बाई करली एक्स स्क्र माइनस वन बाई सी स्क्र करली टू जेड बाई करली वाई स्क्र इक्वल टू जीरो। लेट डी इज आइडेंटिकली टू करली बाई करली एक्स एंड डी डैश इज आइडेंटिकल टू करली बाई करली टी। तो देयर फोर वन बिकम्स, इसको लिख देंगे हम डी स्क्र माइनस वन बाई सी स्क्र डी डैश स्क्र इन टू में जेड इक्वल टू ज़ीरो। इसको सी स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे सी स्क्र डी स्क्र माइनस में डी डैश स्क्र जेड इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बना लेते हैं फैक्टर, दो के बनेंगे सी डी माइनस में डी डैश एंड सी डी प्लस में डी डैश जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इट्स जनरल सॉल्यूशन इज जेड इक्वल टू फाई ऑफ एक्स माइनस में सी टी प्लस में साई ऑफ एक्स प्लस में सी टी। नाउ कोशीज कंडीशंस आर गिवन बाय, वो हमारे पास क्या दे रखे हैं कि जेड एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स एंड दूसरी दे रखी है कि कर्ली जेड बाई कर्ली टी एट टी इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशंस दे रखी हैं, तो जेड तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे, सेकंड में हम इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम पहली कंडीशन यूज़ करते हैं, यूजिंग थ्री इन टू। तो हमने क्या करना है, इसमें x की जगह तो x ही है बट सेकंड में हमारे पास t की जगह ज़ीरो है, तो ये क्या बनेगा आपके पास फाइव एक्स बिकॉज ये ज़ीरो हो गया प्लस में साई एक्स इक्वल टू है जेड और जेड की वैल्यू हमारे पास दे रखी है एफ एक्स, तो इक्वल टू आ गया एफ एक्स। इसको हम नंबर लेते हैं फाइव। अब सेकंड कंडीशन यूज करने के लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। नाउ करली जेड बाई करली टी, तो फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा फाई डैश एक्स माइनस में सी टी एंड एक्स माइनस सी टी का डेरिवेटिव होगा माइनस में सी। अब ऐसे ही साई का डेरिवेटिव साई डैश एक्स प्लस में सी टी एंड एक्स प्लस सी टी का डेरिवेटिव प्लस का सी, ये डेरिवेटिव आएगा और इसमें हमने पुट करना है टी को ज़ीरो और बराबर करना है ज़ीरो। इसको ले लेते हैं सिक्स, यूजिंग फोर इन सिक्स। तो देखिए फाई डैश, यहाँ पर टी को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये बचेगा एक्स, ये माइनस सी को हमने यहाँ लिख दिया, उसमें है प्लस में सी और साई डैश और ये भी एक्स बच जाएगा और बराबर में हमने इसको करना है ज़ीरो जैसे कि दे रखा है। सी कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से आएगा फाई डैश एक्स माइनस में साई डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका करते हैं हम इंटीग्रेशन, तो ये आएगा फाई एक्स माइनस में साई एक्स और ये ज़ीरो ही रह जाएगा।
इसको हम नंबर ले लेते हैं 7। तो देखिए 5 को और 7 का यूज़ करके हम 5x और psi x निकालते हैं, तो उसके लिए जैसे ऐड करने से हमारे पास 5x आ जाएगा। सॉल्विंग 5 and 7, तो 5x तो हमारे पास आएगा हाफ ऑफ fx, और अगर हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास आएगा psi x, और उसका हाफ करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, हाफ ऑफ fx ही आएगा। तो यानी कि साई और फाई की वैल्यूज हमारे पास आ गई है, और हमें सॉल्यूशन निकालना है जेड, तो जेड में हमारे पास ये फाई ऑफ एक्स माइनस सी टी, तो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसमें फाई की वैल्यू पुट कर देंगे एफ की फॉर्म में, तो देखिए जेड क्या बनता है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन टू, तो जेड हमारे पास है फाई ऑफ एक्स माइनस सी टी, और फाई एक्स हमारे पास ये है, तो इसमें एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस सी टी से, तो यहाँ भी एक्स माइनस सी टी आ जाएगा, तो हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस में सी टी। ऐसे ही साई है, साई हमारे पास है हाफ ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस सी टी आ जाएगा, प्लस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में सी टी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद द इनिशियल प्रॉब्लम्स।